So, ma'am, over to you, kindly start the session and guide us how we can develop animation resources. Thank you, ma'am. तो ये session है कि किस तरीके से हम animation resources create कर सकते हैं. प्रीवियस सेशन में आपको एक ओरिएंटेशन मिल गया है कि एनिमेशन रिसोर्सेज क्या होते हैं और एनिमेशन रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से, मतलब कि कब हमें वो एनिमेशन पर्पस क्या है एनिमेशन रिसोर्सेज डेवलप करने का और क्या प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट है उसकी किसी भी एनिमेशन रिसोर्स को क्रिएट करने की. तो इसका एक ब्रीफ डिटेल्ड ओरिएंटेशन आपका हुआ होगा. तो इस जो सेशन में हम सीखेंगे कि हम एक मोबाइल ऐप से किस तरीके से हम एनिमेशन रिसोर्सेज अपने मोबाइल फोन में हम क्रिएट कर सकते हैं और हम स्टॉप मोशन एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ. लाइट चली जाएगी थोड़ी देर में. मोटर तो नहीं चलानी. स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है? मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी? दिख रही है मैम. यस मैम दिख रही है. यस मैम. तो स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है? वैसे तो आपको प्रीवियस सेशन में आपको बताया गया होगा, फिर भी हम देख लेते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन क्या होता है. स्टॉप मोशन एनिमेशन इज अ टाइप ऑफ टेक्निक बाय विच ऑब्जेक्ट कैन बी मूव्ड ऑटोमेटिकली. इन दिस सम पिक्चर्स आर ड्रॉन, देयर डिफरेंट फोटोज आर क्लिक्ड इन डिफरेंट पोजिशंस एंड व्हेन दीज इमेजेस आर प्ले इन अ सीक्वेंस मूवमेंट अपीयर. This is called a stop motion animation. जब हम कोई भी पिक्चर किसी सीक्वेंस में हम बनाते हैं और फिर उन पिक्चर्स का हम फोटो क्लिक करके उसको उस सीक्वेंस में हम प्ले करते हैं तो हमें लगता है कि एक मूवी चल रही है, एक मोशन हमें फील होता है जिसको हम स्टॉप मोशन एनिमेशन कहते हैं. लेकिन रियलिटी में वो मूवी प्ले नहीं होती है, हमें एक इल्यूजन होता है कि मूवमेंट हो रहा है उसमें. ये एक इल्यूजन मूवमेंट इल्यूजन मोशन इल्यूजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये रन कर रहा है, अदरवाइज वो एक स्टिल इमेजेस होती हैं जो प्ले हो रही होती हैं. ठीक है. स्टॉप मोशन एनिमेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? जब हम ऑब्जेक्ट मोशन, जब हम किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसको हम ऑब्जेक्ट मोशन एनिमेशन कहते हैं. क्ले मोशन, जब हम क्ले का यूज करके किसी एनिमेशन को क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्ले मोशन कहते हैं. कटआउट मोशन, कटआउट में हम जब किसी भी एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए उसमें हम पेपर कटआउट से हम कुछ भी बनाते हैं, कोई भी अपना पपेट बनाते हैं, जो भी हम अगर पेपर कटआउट का यूज करते हैं और उससे हम जब एनिमेशन क्रिएट करते हैं तो वो हमारा कटआउट मोशन होता है. पपेट एनिमेशन, जब हम कोई भी टॉय या पपेट हम यूज करते हैं एनिमेशन के लिए उसको हम पपेट एनिमेशन कहते हैं. अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें से ये सारे फ्री एंड ओपन सोर्सेस हैं. हो सकता है कि इन टूल्स के कुछ फीचर्स जो हैं वो आपको फ्री वर्जन में मिले और कुछ फीचर्स जो एडवांस फीचर हैं वो आपको पेड वर्जन में मिले. तो ये सारे टूल्स हैं जो हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं टूल्स की मदद से. लेकिन आज जो हम टूल सीखेंगे वो है स्टॉप मोशन स्टूडियो. तो ये लोगो है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का.
ये जो ऐप है वो हमारे एंड्रॉइड सपोर्टेड भी है और iOS सपोर्ट भी है. हम आईफोन पर भी इसको यूज कर सकते हैं और एंड्रॉइड फोन से भी हम इसको यूज कर सकते हैं. तो ये दोनों ही डिवाइसेस के लिए कंपेटेबल है. तो ये लोगो है स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप का. अब कोई भी अगर हमें एनिमेशन क्रिएट करना है तो क्या मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए. ये हमारे जो मटेरियल है वो किसी भी तरीके का एनिमेशन या किसी भी तरीके की अगर वीडियो हम क्रिएट कर रहे हैं उससे पहले हमें ये रिक्वायर्ड होते ही होते हैं. तो फर्स्ट है पहला स्मार्टफोन, क्योंकि ये मोबाइल बेस्ड ऐप है तो हमें एक स्मार्टफोन की जरूरत होती है. सेकेंड स्टोरी लाइन. स्टोरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिस पर बेस्ड आप वो एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं. आपके पास वो आपको वो कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि मल्टीमीडिया का यूज आपको अपने क्लासेस में कहाँ करना है. जैसे कि हमारे प्रीवियस सेशन में भी बताया गया है कि डिजिटल रिसोर्सेज हमें कहाँ यूज करने हैं, वो हमें अपने हमारे कॉन्सेप्ट पे भी डिपेंड करता है कि हम उसको प्री लेसन में यूज करें, मिड लेसन में यूज करें या पोस्ट लेसन में यूज करें. तो इसी तरीके से आपको पहले उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना होगा जिस पर बेस्ड आप ये एनिमेशन बनाना चाहते हैं, और उस कॉन्सेप्ट की फिर एक स्टोरी लाइन आपको क्रिएट करनी होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉटरफॉल फॉर्मेशन है, तो वॉटरफॉल फॉर्मेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अगर क्लास में लेक्चर मेथड से या वर्बली आप समझाएंगे तो वो उतना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स कि जितना आप किसी मल्टीमीडिया के माध्यम से अगर उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो जल्दी उस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे. और अगर विजुलाइजेशन उनका अच्छा होगा तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंड भी वो अच्छे से कर पाएंगे. तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपकी एक स्टोरी लाइन होनी चाहिए. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. थर्ड है स्टोरी बोर्ड. स्टोरी बोर्ड आपको प्रीवियस सेशन में भी समझाया होगा कि स्टोरी बोर्ड कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी वीडियो या एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए. आप स्टोरी बोर्ड आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है आपकी पूरी स्टोरी का, कि आपकी स्टोरी किस तरीके से रन होगी, आपकी स्टोरी किस तरीके से प्ले होगी, क्या सीक्वेंस आपका सीक्वेंसेस क्या होंगे आपकी स्टोरी के, वो फ्रेम वाइज फ्रेम हमें पता चलता है कि पहला शॉट हमारा ये आएगा, सेकंड नंबर का जो फ्रेम होगा उसमें हमारा शॉट ये आएगा. ये स्टोरी बोर्ड जो है वो डिजिटली भी आप क्रिएट कर सकते हैं या पेपर पेंसिल से भी आप क्रिएट कर सकते हैं. इसके लिए किसी भी तरीके की मास्टरी की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए और उसकी स्टोरी लाइन होनी चाहिए, उसको ही हम स्टोरी बोर्ड में उतार लेते हैं. तो वो आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं. तो स्टोरी बोर्ड हमें हमारी जो मूवी है, हमारा जो वीडियो है, उसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है. हम उस पूरी स्टोरी को विजुलाइज कर लेते हैं. तो ये हमारी प्रीरिक्विजिट है, रिक्वायरमेंट है कि अगर हमें कोई भी एनिमेशन या वीडियो क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है उसके लिए. अब जैसे ये आप देखेंगे एग्जाम्पल है स्टोरी बोर्ड का. ये हाथ से ही बना हुआ स्केच है जिसमें अगर आपको समझ आ रहा होगा तो फ्रेम बाय फ्रेम इसमें बहुत रफली बताया गया है कि एक कौवे की कहानी है जो हम सभी जानते हैं कि एक प्यासा कौवा था, वो घूमता हुआ आया, उसको एक मटका दिखा, उसमें पानी था. तो ये वो स्टोरीज पे की गई है क्रिएट. और इसमें हर फ्रेम बाय फ्रेम क्या हमें शूट करना है, हमें क्या फ्रेम बनाने हैं और क्या फ्रेम हमारा नेक्स्ट होगा, वो पहले से ही हमने पूरा डिसाइड किया है. तो इससे हमें क्या, इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि आपको पता चल जाता है कि नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा, और किसी भी तरीके की एरर होने की जो गुंजाइश होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आपको पहले ही पूरी स्टोरी किस तरीके से रन होगी उसका आइडिया हो जाता है इससे. तो ये एग्जाम्पल है स्टोरी बोर्ड का. अब हम देखते हैं कि अब स्टेप क्या है कि हम कैसे किसी एनिमेशन को इस ऐप के माध्यम से बना सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें अपने फोन में, मोबाइल फोन में
ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस सेशन के बाद जब हम हैंड्स ऑन करेंगे उससे पहले मैं 5 मिनट का टाइम दूंगी, आप तब उसको इंस्टॉल करिएगा अपने फोन में। अभी आप लोग इंस्टॉल मत करिएगा, अभी आप पहले स्टेप समझिए कि क्या स्टेप है कि एनिमेशन बनाने के। ठीक है, हम 5 मिनट हम देंगे जिसमें कि आप अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करिएगा, फिर हम हैंड्स ऑन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने फोन में। तो हमने यहां से इसको डाउनलोड करके इसको ओपन किया। अब फोन में डाउनलोड करने के बाद जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो ये पहली स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन पर आती है ओपन करने के बाद। इस स्क्रीन को हम डैशबोर्ड कहते हैं। तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी तो आप इसमें जैसे कि ये देख पा रहे हैं प्लस का साइन है जिस पर लिखा है न्यू मूवी। हम इस प्लस के साइन पे अपनी हमें मूवी क्रिएट करने के लिए, अपना एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हम इस साइन पर क्लिक करेंगे। न्यू मूवी साइन पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये स्क्रीन हमारे मोबाइल फोन पर अपीयर होगी। तो इस स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ आइकन्स दिए हुए हैं। आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे 4 आइकन्स है और लेफ्ट हैंड साइड पे 4 आइकन है और बॉटम में एक आइकन दिया है। तो देखते हैं क्या ये आइकन है, आइकन इन आइकन से हम क्या कर सकते हैं। आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे पहला आइकन है हमारा कैमरा आइकन। तो इस कैमरे से हम हमारी जो स्टोरी है जो हम एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं उनके फोटोज क्लिक करेंगे, क्योंकि इस स्टॉप मोशन स्टूडियो में हम क्या करते हैं, हम फोटोज क्लिक करते हैं, उनको एक सीक्वेंस में प्लेस करते हैं और उनको हम प्ले करते हैं। बस सिंपल ये 3 स्टेप होते हैं। तो हम इस कैमरा आइकन से अपने फोटोज को क्लिक करेंगे। सेकंड आइकन आप देख रहे हैं ये अंडू आइकन है और ये 4th आइकन आप देख रहे हैं ये है प्ले आइकन है। जब हमारी स्टोरी क्रिएट मतलब हमने सब अपनी स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग जब हम फोटो क्लिक कर लेंगे उसको हम सीक्वेंस में प्लेस कर लेंगे तो इस प्ले बटन से हम उसको मूव करके देखेंगे कि हमारी स्टोरी कैसे रन हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो टॉप आइकन है वो आप देख रहे हैं एरो आइकन है, दैट इज बैक बटन। तो इस बटन पे क्लिक करके हम अपने डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं। सेकंड आइकन है वॉइस ओवर आइकन, ये आप देख रहे होंगे माइक आइकन दिया हुआ है, दैट इज वॉइस ओवर। तो इस बटन पे क्लिक करके हम अपनी मूवी के साथ ऑडियो भी एम्बेड कर सकते हैं। हमें इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा और हम उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं कि स्टोरी नरेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं या अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमें देने हैं उस मूवी के साथ या जो भी हमें कुछ अगर हमें जो भी वॉइस ओवर हमें देना है अपनी मूवी के साथ तो वो हम इस आइकन पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। थर्ड आइकन है प्लस आइकन जिसपे लिखा है एड इमेजेस ऑडियो क्रेडिट्स कैप्शंस। तो इस बटन पे क्लिक करके हम अपनी स्टोरी के साथ अपनी मूवी के साथ इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ऑडियोज ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट्स डाल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन डाल सकते हैं और हम टाइटल्स डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये फ्री एंड ओपन सोर्स हैं, लेकिन इनके कुछ फीचर्स जो हैं वो फ्री हैं और कुछ जो है वो एडवांस फीचर्स जो हैं वो पेड हैं। तो स्टॉप मोशन स्टूडियो का ये जो फीचर है कि हम एक्सटर्नल इमेज ऐड करना, एक्सटर्नल वॉइस ऐड करना, जो आपके डिवाइस में वॉइस है म्यूजिक है उसको ऐड करना या टाइटल ऐड करना वो और कैप्शन ऐड करना, ये फीचर जो है वो फ्री वर्जन के साथ नहीं अवेलेबल है, ये प्रो वर्जन के साथ अवेलेबल है जिसके लिए आपको एक 1-time पेमेंट करना पड़ता है और वो फीचर्स आप अवेल कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आप अपने डिवाइस में जो आपकी इमेजेस हैं एक्सटर्नल उनको नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट आइकन आप देख रहे हैं सेटिंग आइकन। सेटिंग आइकन में आप अपनी मूवी की स्पीड को सेट कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट कर सकते हैं और फिल्टर्स हैं उसमें। तो ये कुछ फीचर्स हैं, हम आगे देखेंगे अभी इनको भी कि तो सेटिंग में हम उन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं। नीचे आप देख रहे हैं लिखा है टाइमलाइन, एक बॉटम में एक आइकन है टाइमलाइन।
तो जो भी पिक्चर आप क्लिक करेंगे अपनी मूवी क्रिएट करने के लिए, अपने एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, जिस सीक्वेंस में आप क्लिक करेंगे उस सीक्वेंस में वो सारे पिक्चर्स नीचे टाइमलाइन में अपीयर होने लगेंगे। तो टाइमलाइन में आपके जितने भी फ्रेम्स आप जो क्लिक कर रहे हैं अपने मूवी को क्रिएट करने के लिए, वो सारे पिक्चर्स हमें हमारे टाइमलाइन में शो होंगे। देख लेते हैं कैसे, वो हम देखेंगे आगे। अब जैसे मैंने कैमरा बटन पे क्लिक किया, तो कैमरा बटन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल फोन पे ये स्क्रीन अपीयर होगी, जिसमें आप देख रहे हैं अगेन कुछ आइकन्स दिए हुए हैं। ये बैक है, सेकेंड आइकन है टाइमर आइकन। इसमें आप टाइमर सेट कर सकते हो अपने फोटोग्राफ्स को क्लिक करने के लिए, क्योंकि हाथ से करने में कभी कभी हाथ हिल भी जाता है, तो फोटो क्लिक होने में फोटो क्लिक हिली हुई भी आ सकती है, फोटो आपको क्लिक करने में वो हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप टाइमर सेट कर सकते हो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उतने ही सेकेंड के बाद ऑटो क्लिक होती जाएंगी आपकी पिक्चर्स। तो आपको मैनुअली हर पिक्चर को क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप टाइमर का यूज करके उनको क्लिक कर सकते हैं। थर्ड आइकन आप ये देख रहे हैं रेड बटन, इससे इस पे क्लिक करके आप फोटोग्राफ क्लिक करेंगे। ये प्ले बटन है, इससे हम अपनी मूवी को प्ले कर सकते हैं। ये नीचे बॉटम में आप 4 बार देख रहे हैं, तो ये 4 बार क्या है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आ रहा है कि आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, जूम एडजस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स आपको, आप इन फीचर्स को यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने टाइमर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर टाइम आ रहा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड। तो जिस जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग टाइमर को सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यही मैंने स्टोरी स्टोरी बोर्ड पे क्रिएट की थी, तो इस स्टोरी को मुझे जब मैंने इसके सारे फ्रेम्स क्लिक कर लिए, तो सारे फ्रेम्स आप देख पा रहे हैं नीचे टाइमलाइन में शो हो रहे हैं। तो जैसे आप फर्स्ट फ्रेम पे आप देखेंगे 1/37, इसका मतलब इस स्टोरी को क्रिएट करने के लिए मैंने 37 फ्रेम क्लिक किए हैं। तो जितने भी फ्रेम आप क्लिक करोगे वो आपके टाइमलाइन पे शो होने लगते हैं। अब जैसे मैं किसी फ्रेम को एडिट करना चाहती हूं, तो हम अपनी टाइमलाइन में हम अपने सारे फ्रेम्स को एडिट भी कर सकते हैं। आपको जिस फ्रेम को एडिट करना है, आप उस फ्रेम पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कुछ पॉपअप आप देख सकते हैं, जिसपे कुछ एडिटिंग फीचर्स मिल रहे हैं आपको, जिसमें आप कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स जैसे आप देख रहे हैं वो डिसेबल दिख रहे हैं हमें, जैसे रिवर्स का, मर्ज का, और एडिट में भी कुछ फीचर्स हैं जो हम नहीं यूज कर सकते, इरेज का। तो ये फीचर जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो एडवांस वर्जन है ऐप का, ये एडवांस वर्जन में आते हैं फीचर, फ्री वर्जन में हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सारे फीचर्स जो इसमें हमें दिख रहे हैं, जो एडिटिंग ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं। अब मुझे इस स्टोरी के बाद अपनी वॉइस स्टोरी, मुझे इसकी स्टोरी को रिकॉर्ड करना है। मैं चाहती हूँ कि इस मूवी के साथ उसकी स्टोरी भी प्ले हो, एम्बेड करनी है मुझे। तो मैंने इस वॉइस ओवर आइकन पर क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मेरे सामने आ गया है। यहाँ रिकॉर्ड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हम अपनी स्टोरी, वॉइस, नरेशन, जो भी हमें ऐड करना है, कुछ भी, वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उसे प्ले करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट था सेटिंग बटन, जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी मूवी की स्पीड को सेट कर सकते हैं, उसके फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, और उसका रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो उसका सेट कर सकते हैं। फिल्टर्स हैं इसमें,
तो आप जैसे देख सकते हैं कि मूवी की स्पीड यहाँ पर वो दे रहा है कि कितने सेकंड पर से, कितने हम सेकंड पर फ्रेम सेट कर सकते हैं। तो अगर हम 1 सेकंड पर फ्रेम रखेंगे उतनी ही मूवी की स्पीड हमारी स्लो रहेगी। आप जितना नंबर इंक्रीज करेंगे 2, 3, 4, 5 करेंगे तो उतना ही मूवी की स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। 1 सेकंड पर फ्रेम पर मूवी की स्पीड हमारी स्लो रहेगी। आप जितना इंक्रीज करेंगे नंबर उतनी ही मूवी की स्पीड हमारी फास्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मूवी की स्पीड सेट कर सकते हैं, एस्पेक्ट रेशियो देख सकते सेट कर सकते हैं। अब मैंने अपनी मूवी की स्पीड भी सेट कर ली, मैंने अपनी ऑडियो भी इसमें मैंने एम्बिट कर दिया, मेरा मूवी कंप्लीट हो गया, मैंने उसको प्ले करके भी देख लिया। अब मुझे ये मूवी शेयर करनी है क्योंकि हमने जो रिसोर्स बनाया है उसका हमारा अल्टीमेट गोल है उसको स्टूडेंट तक पहुंचाना, क्योंकि हमारा पर्पस ये था कि हमने उनके लिए ही ये क्रिएट किया है। तो इसे हम अब शेयर कैसे कर सकते हैं, हम इसके लिए ये जो बैक बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम डैशबोर्ड पर आ गए वापस। ये आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड पर आ गए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी जो आपने मूवी क्रिएट करी है, मूवी एनिमेशन क्रिएट किया है, वो यहाँ आपके डैशबोर्ड पर शो होने लगता है। आप उसको राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकते हैं, जो भी आपको उसको टाइटल देना हो उस रिसोर्स का, उस वीडियो का। अब मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उस प्रोजेक्ट पे जो हमारी हमारा जो वीडियो डैशबोर्ड पे सेव हुआ है उस पर हम प्रेस करेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर टॉप बार में कुछ आइकन्स हमें दिख रहे हैं, ब्लू बार में हमें कुछ आइकन्स दिख रहे हैं। पहला आइकन है प्रीव्यू का, तो वो आपको एक बार शेयर करने से पहले भी एक प्रीव्यू देता है कि आप प्रीव्यू ले लीजिए कि कहीं कोई अभी भी एक फाइनल प्रीव्यू देता है कि कोई एडिटिंग की रिक्वायरमेंट तो नहीं है या कोई एरर तो नहीं है, तो उसके लिए वो फाइनल प्रीव्यू देता है यहाँ पर, तो इससे हम अपनी मूवी का प्रीव्यू देख सकते हैं। सेकंड आइकन है शेयर आइकन, इससे हम शेयर कर सकते हैं। मैं बताऊंगी आगे कि किस तरीके क्या क्या फॉर्मेट में हम इसको शेयर कर सकते हैं, अभी हम ये आइकन्स क्या है वो देख लेते हैं। थर्ड आइकन है कॉपी आइकन, अगर आप इसको क्लिक करते हैं इस आइकन को तो आपकी मूवी की एक डुप्लीकेट कॉपी आपके डैशबोर्ड पे बन जाती है। सपोज अभी ये स्टोरी मैंने मूवी मैंने क्रिएट की, इसमें मैंने स्टोरी जो है वो मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड करी थी, इसका वॉइस ओवर मेरा इंग्लिश मीडियम था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इसका वॉइस ओवर हिंदी में भी दूं और किसी अदर रीजनल लैंग्वेज में भी दूं, तो हम इसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं, डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं और फिर उसमें एडिटिंग में जाके वॉइस ओवर दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हम एक ही मूवी को डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी इसकी कॉपी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा रिकॉर्ड करने की मूवी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मूवी की आपने डुप्लीकेट कॉपी बनाई, हम एडिटिंग में गए, उसमें जाकर हमने उसमें दूसरी लैंग्वेज में अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया और मूवी के साथ एम्बेड कर दिया। तो एक ही रिसोर्स आपका डिफरेंट लैंग्वेजेस में क्रिएट हो सकता है इससे, तो इससे हम डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। और ये लास्ट ऑप्शन है डिलीट का, इससे हम डिलीट कर सकते हैं, इसको डिलीट करने के बाद आपके डैशबोर्ड से आपकी जो मूवी है वो डिलीट हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम किस किस फॉर्मेट में इसको शेयर कर सकते हैं और कैसे। जब मैंने इस शेयर ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फॉर्मेट्स वो मुझे दिखा रहा है कि आपको ये मूवी मूवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करनी है। अगर हम मूवी फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारी जो वीडियो है, जो एनिमेशन है, वो MP4 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाती है। MP4 फॉर्मेट वो फॉर्मेट है जो सारी ही डिवाइस के लिए कंपैटिबल होता है। आप इसको iOS पे भी कर सकते हैं, उस पर भी ये प्ले होता है, एंड्रॉयड पे भी होता है, डेस्कटॉप पे भी होता है, तो ये फॉर्मेट सभी डिवाइसेस के लिए कंपैटिबल होता है। तो इसको हम MP4 फॉर्मेट में भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट मूवीज करके।
सेकंड आप देख रहे हैं एनिमेटेड जीआईएफ फॉर्मेट, इसको हम एक जीआईएफ फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड आप देख सकते हैं इमेजेस, तो इसमें हम अगर हम इमेजेस में अपने प्रोजेक्ट अपनी मूवी को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे हर फ्रेम की एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। जैसे कि मैंने इस मूवी को क्रिएट करने के लिए 37 फ्रेम्स क्लिक किए थे तो वो हमें 37 पिक्चर्स हमें एक्सपोर्ट कर देगा, तो इमेज फॉर्मेट में ये हमें एक्सपोर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्लिपबुक फॉर्मेट में अगर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो ये हमारी पीडीएफ फॉर्म में एक्सपोर्ट हो जाएगी। इससे हम जैसे कि अगर हमने इस मूवी को एक्सपोर्ट किया पीडीएफ में तो ये हमारी एक 37 पेज की एक पीडीएफ हमें मिल जाएगी जिसमें हमारे 37 फ्रेम्स एस पीडीएफ सिंगल पीडीएफ हमें मिल जाएंगे, सिंगल पीडीएफ में मेरे सारे फ्रेम आ जाएंगे। और लास्ट है प्रोजेक्ट, ये इसका अपना स्टॉप मोशन स्टूडियो के एक्सटेंशन में उसको डाउनलोड करता है। तो ये फॉर्मेट्स है जिसमें कि हम अपनी मूवी जो हमने बनाई है उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिर शेयर करने के लिए। अब मैंने इस अपनी जो मेरा प्रोजेक्ट मैंने अपनी जो एनिमेशन बनाया है उसको मैंने मूवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ, तो मैंने जब मूवी एक्सपोर्ट मूवी पे क्लिक करूंगी किया तो आप देखेंगे कि वो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये मुझे कैसे शेयर करनी है। मैं इसको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकती हूँ, मैं ईमेल भी कर सकती हूँ, मैं फेसबुक के थ्रू भी कर सकती हूँ, और भी ऑप्शंस हैं जो जिन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इसको कर सकते हैं शेयर। लेकिन आप देखेंगे कि ये हाँ यहाँ आप देखेंगे कि एक ऑप्शन आ रहा है सेव वीडियो। इससे अगर मैं सेव वीडियो पे क्लिक करती हूँ तो ये जो वीडियो है मेरी वो डायरेक्टली मेरे फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी। जैसे कोई भी आपके व्हाट्सएप पे कोई वीडियो आती हो हम उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे फोन की गैलरी में सेव हो जाती है, उसको हम फिर कभी भी किसी के साथ रीशेयर कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं सेव वीडियो पे क्लिक करूंगी तो ये वीडियो हमारे फोन की गैलरी में सेव हो जाएगी और फिर फोन की गैलरी से हम किसी भी माध्यम से अपनी वीडियो को किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी नॉर्मल वीडियो शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने जो हमने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट, अपनी जो हमने एनिमेशन बनाया है उसको हम शेयर कर सकते हैं। तो ये अभी एक जो ऐप है उसका ओवरव्यू था कि क्या उसमें फीचर्स हैं और किस तरीके से हम उनको फीचर्स को यूज करेंगे, कैसे हम उसमें क्रिएट करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ स्टॉप मोशन एनिमेशन का। अभी मैं अपनी स्टॉप शेयर कर रही हूँ, शायद कुछ इश्यू हो रहा है, एक सेकंड मैं स्टॉप शेयर करके दोबारा रीशेयर करती हूँ।
कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मीठे चाकू से धार। पत्थर से पत्थर को मार, बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकले चिंगारे। पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी न देर। सीख लिया जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। तो ये एक एग्जाम्पल था स्टॉप मोशन एनिमेशन का। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि ये आग की खोज पर बनाया गया था, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं हिस्ट्री के जिसको अगर हम क्लासरूम में समझाएं बच्चों को लेक्चर मेथड से, तो बच्चे उतना अच्छे से समझ नहीं सकते जितना कि हमने 2 मिनट 36 सेकंड की वीडियो से कि आग की खोज कैसे हुई थी उस कॉन्सेप्ट को हमने अगर समझाया तो वो बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल था वो पेपर कटआउट एनिमेशन का था कि जिसमें जितने भी आपने देखा होगा ये पपेट जो बने हैं, आपको दिखाऊं, ये जो बने हैं पपेट्स ये सब पेपर से बने हुए हैं, स्टेपलर से उनको जोड़ा गया था और एक एक मूवमेंट करके उसको क्लिक किया गया था। और इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मोर देन 1000 फ्रेम क्लिक किए गए थे, क्योंकि ये स्टोरी बहुत लंबी है, 2 मिनट 36 सेकंड्स है और बहुत सारे इसमें सीक्वेंस हैं। तो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए मोर देन 1000 फ्रेम क्लिक किए गए थे। और ये सब कुछ जो पूरा सेट बना है ये सब पेपर से बना है, ये पेपर से बना है, नीचे जो है वो मिट्टी का एक बेस है जिसके ऊपर ये एनिमेशन शूट किया गया था। हालांकि ये स्टॉप मोशन स्टूडियो ऐप से नहीं बनाया गया है, ये प्रोफेशनल कैमरे से शूट किया गया था, लेकिन ये एग्जांपल स्टॉप मोशन एनिमेशन का है और पेपर कटआउट स्टॉप मोशन एनिमेशन का एग्जांपल है जिसमें हम पेपर्स को यूज करते हैं और उनको हम उनसे हम एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। अब हम एक डेमो देखेंगे कि अभी तो हमने केवल उस ऐप का ओवरव्यू किया है कि क्या उसके फीचर्स होते हैं, कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम एक डेमो देखेंगे, उसको क्रिएट करके देखेंगे कि एक स्टोरी कैसे क्रिएट की गई है। ये डेमो है कि किस तरीके से हम जो मैंने आपको दिखाया था स्टोरी बोर्ड जिसका था, जिसके हमने फ्रेम्स क्लिक किए थे, तो उसे किस तरीके से स्टोरी एनिमेशन क्रिएट किया गया है उसका डेमो है।
देखते हैं हम डेमो। मोशन एनिमेशन फॉर द फेमस स्टोरी द थर्स्टी क्रो, वी मस्ट हैव हियर्ड अबाउट इट। सो वी विल क्रिएट स्टॉप मोशन एनिमेशन फॉर दिस स्टोरी एंड वी विल क्रिएट दिस स्टोरी बाय यूजिंग डिफरेंट कटआउट्स। वी कैन क्रिएट स्टोरी बाय यूजिंग पपेट्स क्ले, बट टुडे वी विल क्रिएट दिस स्टोरी स्टॉप मोशन एनिमेशन बाय यूजिंग कटआउट्स। एंड हेयर यू कैन सी दिस इज द बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड वी विल यूज दिस बैकग्राउंड फॉर क्रिएशन ऑफ स्टॉप मोशन एनिमेशन। एंड हेयर यू कैन सी सम कटआउट्स लाइक क्रो एंड एन अ वॉटर जग पिबल्स and when a water jug with pebbles, so we will use these cutouts for creating our animation. So we will capture frame based on the storyboards. As we discussed earlier, we have created a storyboard for this story and we have created a each of frame, and we captured these frames. So as discussed here, 8 icons are given. You can see on the right hand side top icon is camera, so we will capture this frame by using this icon. So I'm clicking on this. Now you can see a red button. We can we can capture a frame by clicking on the red button. So I am clicking on it. So this is our first frame. Now I am clicking my second frame where the crow is here. And click on the red button. I will move the position of the crow. I will move the position of the crow and I will click the frame. Again, move the crow and click the frame. Again, moving the crow and click the frame. Again, same procedure will do. Again, the closed frame I will clicking. So now we can see the crow not able to drink a water because the water level of the jug is very low. So now he can see some pebbles here. So we will rotate the position of the crow and click some clicks on that frame. We will move it on down. Now, as we can see, crow picked up the pebble and now he moving towards the water jug, and we will capture this frame.
we will capture each frame of this process. Now again, we repeat the entire process. And we'll capture every moment. We will capture each and every detail. Now we can see after putting pebbles in the water jug, now crow is able to drink water and he is drinking water. We will capture this moment, this frame, and we will click all the frames. So we have clicked all possible frames for this story. Now we will see how many frames we have clicked. You can see at the bottom of right hand side 69 frames. So 69 frames are clicked for this story. Now I am clicking on the back button, and at the end of the screen we can see the timeline of this story, and we can see the every frame of this story. So as we are explained earlier, we can edit and we can add our voice in this story. Now we will edit our frames, like edit my frames timeline. So here we can see on frame number 65, the shadow is coming, my hand shadow is coming. So I want to delete this light. So what we can do is, I will click on this frame, and this editing options are coming. Here we can see a delete option. I will delete it, and this frame will delete it. So we can edit our timeline by using these edit option. If I want to copy my duplicate my frame, so I will click on copy button. And paste it here. So my so the duplicate frame will be created, and we will edit our timeline as we are required for. Now I am going to play this video by click on play button.
So you can see the motion in the story, in the frames. If you realize that we can see the option of Anna insert camera, we can click on this and retake the Anna frame. We can cut the frame, we can copy this frame, and we can delete this frame, we can erase and edit also, and merge and reverse jo feature will be available for the pro version of stop motion animation. Now if we can set our video speed by using these options. I am clicking on setting. Here we can see movie speed. We can set the speed of our animation movie. Now I have set 5 seconds per frame. We can set we can adjust color contrast, but this feature is available for the pro version, and we can use foregrounds. So some features are available with the free. If we want to add our voice with the animation, we will use the voice icon. Now I am clicking on voice icon. Here we can see the record button on the screen. By clicking on this, you can see the start recording. One hot day, Tristan, he flew down to the sea to see the water level is very low. Then he saw some pebbles. He started picking up pebbles one by one, dropping each into the jug, and water level kept rising. The moral of the story is think and hard work. One hot day, Tristan, now you can see all over the field looking for the water. Voice is coming with the video, and we can add narration of a story with the animation. Stop this play and click on done. Now I am going to play this animation with audio by clicking on play button. One hot day, Trusty Crow, stop motion animation app. Now we want to share our video with our friends and with our students. So for this we will click on the back button. Here we can see right left hand side top icon is back icon. We will click on this icon. Here this is the dashboard, and you can see this is the movie we have created. We will long press this icon, movie icon. So we can see the various icon is appearing top of the screen. First icon is preview icon. If I am clicking on this, we can see the preview of the of our animation. All over the field looking for the water for a long time, and suddenly he. Now I am pausing this, clicking on cross button, so we can preview our video by clicking on preview button. We can see the second icon of sharing. By using this icon we can export our video in various format. First is in we can download or export our animation in the movie format. We can export as animated GIF format. We can export
in images format, we can export in flipbook format, and we can export in project format. So today we will here we will export our animation in movie format. I'm clicking on this. So after clicking on this, there are many options are coming on the screen. We can share our video via WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Gmail, Messenger, Twitter. So we and here we can see the various option. We can use this options to share our video, and we can save our video in phone in our phone also. So we can by clicking on save video, we can download this video in our phone gallery and we, phone gallery. So we can share our video by using these icons. Third number icon is copy icon. If you want to duplicate your movie, you want to copy your make a copy of your movie, so you can click on this icon and you can see the copy of duplicate copy of your movie. So you can duplicate and make a copy of our video. And fourth option is delete option. We can delete multiple copies. Yeah, so now I'm going to delete this duplicate copy. I'm clicking on this, select on this and delete it. I'm clicking on delete option. So तो ये डेमो था कि किस तरीके से हम इस ऐप के माध्यम से स्टॉप छोटे छोटे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो कोई अगर डाउट है किसी का, वैसे ये वीडियो और प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर आपके साथ हो जाएगा. सारे रिसोर्सेज जो भी हैं, जिस जो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जितने भी रिसोर्सेज और पीपीटीज जो भी आपको शो की जा रही है, वो सब वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगी. वहां से आप ये ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं. तो किसी का अगर कोई डाउट है वो पूछ सकता है. और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, अभी आप लोग डाउनलोड करिए. और जो भी अगर आप क्रिएट कर सकते हैं अभी, तो वो क्रिएट करके आप हमें यहाँ दिखा भी सकते हैं. ये जो ऐप है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो ऐप है वो इसके कुछ फीचर्स जो है वो फ्री, मतलब कुछ फीचर्स जो है वो पेड है, बाकी ये फ्री है. जैसे कि इसमें कुछ मैंने फीचर्स शुरुआत में ही आपको जब मैं ऐप का ओरिएंटेशन दे रही थी तो बताया था कि हम इसमें अपने डिवाइस में जो इमेजेस हैं या डिवाइस में जो ऑडियोज है, म्यूजिक है, हम कोई भी एक्सटर्नल इसमें वो ऐड नहीं कर सकते हैं. हमें वीडियो क्लिक करने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए हमें पिक्चर्स क्लिक करनी पड़ेंगी. हम कोई भी डिवाइस से या उससे हम उसको ले नहीं सकते, हम इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री फीचर्स में नहीं आता है. ना हम इसमें म्यूजिक एक्सटर्नल कर सकते हैं ऐड, ना इसमें हम एक्सटर्नल वो कर सकते, इमेज कर सकते हैं, टेक्स्ट लिखना, कैप्शन देना, टाइटल देना, क्रेडिट देना, ये भी फीचर जो है वो पेड में है. बाकी लेकिन सारे फीचर्स जो है वो ये फ्री है. ये प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा स्टॉप मोशन स्टूडियो के नाम से, और आपके ऐप स्टोर फॉर एंड्रॉइड यूजर ये आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगा. लेकिन ये डाउनलोड करने के बाद आपको पैसे नहीं मांगेगा. जब ये फीचर्स आप अवेल करेंगे तभी वो आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा कि आप इसके लिए पे करिए. इसमें 550 समथिंग इसका पेमेंट है, जो वन टाइम पेमेंट होता है. लेकिन उन फीचर्स के अलावा हम बाकी फीचर्स इसके फ्री वर्जन में यूज कर सकते हैं. ये मैंने फ्री वर्जन में ही यूज करके क्रिएट किया हुआ है. पेड वर्जन में जैसे कि किसी ने लिखा है किन मास्टर उनके पास है और पेड वर्जन, हाँ तो बहुत सारी ऐप है सर,
बहुत सारी ऐप हैं जो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं हमसे। स्टॉप मोशन स्टूडियो सिर्फ एक क्योंकि ये आपको फ्री में काफी फीचर्स देता है इसीलिए, और बहुत सिंपल है इसमें क्रिएट करना। और इसमें जो बहुत सारी ऐप है ये आपको, जब आप जो फ्री वर्जन करेंगे इसका, अगर उसमें आप क्रिएट करें, किसी भी तरीके का वॉटर मार्क नहीं आता है। जैसे कि एप्स होती हैं वो अपना वॉटर मार्क, उसमें उस ऐप का नेम आपको मिलता है, जैसे वॉटर मार्क में वो नेम आता है। इसमें अगर आप फ्रीली, क्योंकि इसके काफी फीचर्स, कुछ फीचर्स को छोड़ के काफी फीचर्स इसके फ्री हैं, तो जब आप इस अपने जो जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वीडियो आपने क्रिएट की है, उसको आप जब भी वहां से एक्सपोर्ट करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो किसी भी तरीके का वॉटर मार्क ये आपको नहीं देता है। तो किसी ने कुछ ट्राई किया है अगर, या कोई ट्राई कर रहा है, कोई कुछ दिखाना चाहता है, किसी के कोई डाउट हो, आप लोग क्रिएट करिए, हैंड्स ऑन करिए। एनिमेशन क्रिएट करना, वीडियो क्रिएट करना, जैसे ओपन शॉट पे भी आपका हुआ था, या ऑडियो रिसोर्सेस क्रिएट करना, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा। और एजुकेशन जैसे कुछ, जैसे ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था 2 मिनट 36 सेकंड समथिंग का था, तो इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो ये हम घर में क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके के वीडियोस क्रिएट करने के लिए हमें किसी तरीके के स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है कि हमें स्टूडियो चाहिए, या हमें प्रोफेशनल चाहिए, कैमरा चाहिए, या हमें किसी भी तरीके की टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है। ये जो एनिमेशन बनाया था वो पेपर कटआउट से बनाया था, पेपर पे रखकर बस कुछ कटआउट बना लिए थे, और उसको स्टोरी के अकॉर्डिंग उसको उसके फोटोग्राफ्स क्लिक करे थे और उसको प्ले किया था। तो ये आप घर में भी, जरूरी नहीं है हमें कॉन्सेप्ट को समझाना है, हम कॉन्सेप्ट को, इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल परफेक्ट होकर ही उसको हम क्रिएट करें। हम इस तरीके से भी हाथ से बनाकर, या पेपर कटआउट, या कैसे भी हम स्केच बनाकर भी इसको हम कर सकते हैं। और हम, हमारा पर्पस है, हम अपने, हम उस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से एक मल्टीमीडिया के माध्यम से समझाएं, तो वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस तरीके की ऐप से हम घर पर बैठकर भी 10 से 15 मिनट में हम एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको फ्रेम क्लिक करने की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम मोर देन 1000 फ्रेम क्लिक कर सकते हैं इसमें, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, तो इस तरीके से हम बहुत छोटे छोटे एनिमेशंस हम अपने कॉन्सेप्ट, अपने सब्जेक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पे हम कर सकते हैं क्रिएट। ये कोई है, रामपाल सर अपना प्रोजेक्ट शो करना चाहते हैं। हाँ सर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और आप उसको शो कर सकते हैं। अच्छा, गिव मी स्क्रीन शेयर, राइट। मिस्टर आलोक, क्या आप स्क्रीन शेयरिंग राइट देंगे सर को, सो दैट वो अपना प्रोजेक्ट शेयर कर पाए। मिस्टर, अच्छा ठीक है, लेट मी चेक सर।
आज की कक्षा में हम अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रीय मॉडल में आय के चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ क्षेत्र भूमि और श्रम का स्वामी होता है, जबकि उत्पादक क्षेत्र के पास पूंजी और उद्यम होता है। उत्पादक क्षेत्र गृहस्थ क्षेत्र से उत्पादन के कारक भूमि और श्रम को उधार लेता है अथवा खरीदता है और बदले में कारक भुगतान करता है। उत्पादक क्षेत्र उत्पादन के कारकों से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है और उन्हें गृह क्षेत्र को बेच देता है। बदले में गृह क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं के बदले कारक भुगतान प्राप्त करता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के दोनों क्षेत्रों के मध्य वस्तु और सेवाओं का चक्रीय प्रवाह चलता रहता है। धन्यवाद। सर बहुत ही अच्छा एफर्ट था, बहुत अच्छा आपने ये क्रिएट किया। सर ये अभी अभी क्रिएट किया है क्या आपने? बहुत अच्छा आपने क्रिएट किया है ये तो। मतलब आपको पता होगा अगर आपने अभी क्रिएट किया है ये तो, या इसी ऐप से क्रिएट किया है तो बहुत ही कम समय में आपने इसको क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से इस ऐप के माध्यम से हम बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत शॉर्ट बाइट साइज एनिमेशन वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा इसी ऐप से बनाया है, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा। मतलब बहुत ही कम टाइम था क्योंकि प्रेजेंटेशन अभी ही थोड़ी देर पहले ही ओवर हुई थी, उसके बीच में बहुत ही कम टाइम था जिसमें आपने ये एफर्ट किए, इतना अच्छा क्रिएट किया। तो आपको भी खुद समझ आया कि कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इस तरीके से रिसोर्सेज बना सकते हैं, शॉर्ट बाइट साइज वीडियोस बना सकते हैं अपने क्लासरूम के लिए। इम्पॉर्टेंट है कि हमें कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है जहां हम मल्टीमीडिया यूज करना है। मल्टीमीडिया लर्निंग के लिए इन्हेंसमेंट होती है, लेकिन उसको कब यूज करना है ये हमारे ऊपर है कि हम उस मल्टीमीडिया को कहाँ यूज, सही राइट प्लेस कब है, कब हम उसे यूज करें। तो अब किसी और के कोई डाउट है और आप लोग क्रिएट करिए और ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। ग्रुप में हम सभी लोग हैं, हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोग क्रिएट करिए आज और अपने प्रोजेक्ट को, अपनी मूवी को आप ग्रुप में शेयर करिए। हेलो मैम। यस मैम। मैम आप वो चैट में ये इस ऐप का मुझे डिस्क्रिप्शन फिर से भेजेंगे? एज आई एम इन द स्कूल तो वीडियो मैंने देखा आपका, लेकिन ऐप और ये सब जो डाउनलोड करना है ना मुझे। अच्छा मैम आप अपने प्ले स्टोर पे स्टॉप मोशन स्टूडियो डालेंगे तो वो ऐप आ जाएगी, आपको सिंपल उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। स्टॉप मोशन स्टूडियो? जी मैम स्टॉप मोशन, मैं उसका लोगो आपको दिखा देती हूँ ताकि आप मतलब कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको। सॉरी बिकॉज आई एम इन द स्कूल राइट नाउ, नो इशू मैम। मैं आपको ये है मैम उसका लोगो जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ब्लू कलर का। यस यस हां यस आई कैन सी। इसको आप डाउनलोड कर। एंड योर नरेशन वाज वेरी गुड मैम, थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस लवली प्रेजेंटेशन। थैंक यू। It's very easy, you know, before the time I was thinking that ये सब कैसे होगा, and but when I got this training and the sessions, I got so many knowledge about all these things. And your all presentation and narration are very simple and easy, so I got confidence also. Thank you very much. तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यस वन ऑफ, अच्छा आप शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर सर। हाँ हाँ आप वीडियो, अपने वीडियो बनाइए, आप शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप शेयर कर। मैम स्क्रीन विजिबल हो रहा है? जी जी
मैम एक छोटी सी कोशिश करिए, वही जी प्यासा कौआ के ऊपर ही, बस इसमें ऑडियो नहीं डाला है। कोई बात नहीं सर, आप इसमें ऑडियो करके आप हमें ग्रुप में भी शेयर करिएगा। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा एफर्ट था ये, और बहुत ही जैसे कि आपने भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में इसको बनाया होगा तो आपको समझ आया होगा कि कितने शॉर्ट ड्यूरेशन में हम इसको हम इस तरीके के एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट एरिया में। तो इसमें आप वॉइस ओवर भी सर रिकॉर्ड करिएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा, और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पार्टिसिपेंट से कि आप लोग एक एक रिसोर्स क्रिएट करिएगा इस पे और ग्रुप में शेयर करिएगा। वैसे तो आप लोगों के असाइनमेंट भी सबमिट होंगे तो वहां वहां तो आपको सबमिट करना ही है, लेकिन आप ग्रुप में भी शेयर करेगा सो दैट सभी लोग एक दूसरे के एफर्ट्स को देख पाए और उनसे कुछ सीख पाए, क्योंकि हम जितना शेयरिंग करते हैं उससे हम अपने हम भी खुद लर्न करते हैं। तो जब आप एक दूसरे के प्रोजेक्ट को देखेंगे तो आप भी कुछ नया सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरी वन। नाउ आई ओवर, थैंक यू प्राची मैम। मैंने आप सब के वीडियोस देखे जो आपने बनाए स्टॉप मोशन एनिमेशन पे, और वो ये प्रूफ करते हैं कि आज का सेशन हमारा कितना डिटेल, कितना सिंपल वर्ड्स में मैम ने एक्सप्लेन करा। तो इस सब के लिए मैम मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने सिंपल स्टाइल में, और जैसे कि हमारे मैं कमेंट्स में भी देख रही थी अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा आ रहा था, तो सबको आपने सिंपल वर्ड्स में ये समझाया कि हम एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि सबको इससे बहुत फायदा भी पहुंचेगा। आप सब लोग रिसोर्स क्रिएट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के फील्ड में, ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो सके ये रिसोर्सेज। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, और आप सभी का